उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें अभिभाषण के माध्यम से जनता को राज्य सरकार की उन सभी कल्याणकारी नीतियों को बताने का कार्य हुआ, जिसे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बिना विपक्ष के होने पर सांसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि खुद से प्रयासों के बाद भी विपक्षी सदस्यों ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। साथ ही बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस सत्र को देहरादून में कराने की मांग की थी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के लिए सभी को आमंत्रण दिया गया था और उस कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बैठक आहूत की गई, उससे पहले मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, माननीय प्रीतम सिंह जी से, मैंने खुद ने आग्रह किया था टेलीफोन करके, और उसके बावजूद अब वो नहीं आए। ये कारण तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के लिए, जैसा मुझे जानकारी है, कि विधानसभा सचिवालय से भी सचिव विधानसभा जी के द्वारा अनेकों बार उनसे संपर्क स्थापित किया गया कि वो समय अपनी सुविधानुसार बताएं ताकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी उनसे संपर्क किया गया, उनका फोन शायद स्विच ऑफ था नेता प्रतिपक्ष जी का। और जैसा मैंने बताया कि मैंने कल शाम को 5:08 पर उनसे टेलीफोन पर बात की थी, आग्रह किया था, और उन्होंने अपनी बातों में बाद में मुझे ये बताया कि मैं आधे घंटे बाद आपसे बात करूंगा, फिर उनका फोन नहीं आया। और उसके बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, और चूंकि आप जानते हैं किसी भी सत्र को चलाने से पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आवश्यक होती है, तो उस बैठक में इस 5 दिन के जो एजेंडा है वो यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया।